उधर उत्तराखंड में पर्यवेक्षक तलाशें गया विधायक दल का नेता। भाजपा ने उत्तराखंड के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बनाई गई हैं पर्यवेक्षक। 19 मार्च को हो सकती है विधानमंडल दल की ये बैठक। और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के भाजपा विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनके विधानमंडल दल के नेता को लेकर विचार समझेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कार्यवाहक सीएम धामी के चुनाव हारने के वजह से अब तक यहां कई दावेदार सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए एक पर्यवेक्षक कमेटी नियुक्त की है। इस कमेटी में मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को शामिल किया गया है। ये दोनों नेता उत्तराखंड जा कर के मुख्यमंत्री कौन हो इसके लिए विधायक दल से बात करेंगे और साथ ही सभी पहलुओं पर समीक्षा कर ये तय करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड में सीएम फेस का चुनाव भाजपा हाईकमान के लिए भी चुनौती भरा है और इसीलिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि सीएम का ताज किसके सिर पर सजता है, क्योंकि जहां कई विधायक धामी को दोबारा से जिम्मेदारी देने की बात कह रहे हैं तो कई खुद की दावेदारी भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के नए मुखिया के चयन को लेकर भाजपा हाईकमान का मंथन जारी है। सीएम का फैसला दिल्ली में होना है, लिहाजा हर कोई दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए हैं। भाजपा संगठन के नेताओं का कहना है होली के बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि 19 तारीख को जो पर्यवेक्षक हैं वो देहरादून आएंगे और विधायकों के साथ विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। उसमें एक नाम पर सहमति के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। चर्चा इस तरह की भी है कि ऐलान के बाद 20 तारीख को उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि 23 तारीख को उत्तराखंड में चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उससे पहले नए मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में शपथ लेनी होगी। चर्चा है 19 मार्च को विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, जिसमें विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा, जबकि 20 मार्च को उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हमारे 47 विधायक जीते हैं, जल्दी ही विधायक दल की बैठक होगी। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड यहाँ के लिए अपना पर्यवेक्षक तय करेंगे, पर्यवेक्षक आकर के विधानमंडल दल की बैठक लेंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी और जल्दी ये काम हो जाएगा। उत्तराखंड के किस नेता के हाथों में सौंपी जाएगी सत्ता, इसके लिए कुछ दिन का इंतजार और करना होगा। मगर आपको दिखाते हैं इस समय सीएम की रेस में कौन कौन से नाम चल रहे हैं। हाईकमान सीएम पुष्कर सिंह धामी को फिर से सूबे की कमान सौंप सकता है। इसके अलावा धन सिंह रावत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज में से किसी को कमान सौंपी जा सकती है। उधर अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी और ऋतु खंडूरी में से कोई एक सीएम का चेहरा हो सकता है। चर्चा इस तरह की है कि भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से पुष्कर सिंह धामी को रिपीट कर सकती है, क्योंकि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कई नाम आ जाने से भाजपा ने मंथन और तेज कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई विधायकों के नाम भी शामिल हो गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा संगठन विधायकों से राय मशवरा करके एक नाम पर सहमति बनाकर उसका ऐलान करेगी। देहरादून से प्रतियोगी रवि कैंतुरा और सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।